हेलो एवरीवन। सो बेसिकली हम आज एमएस वर्ड का कुछ ट्रिक्स दिखेंगे, ट्रिक्स या फिर मान लीजिए कुछ टिप्स जिनको यूज़ करके आप एमएस वर्ड में प्रो बन सकते हैं। मतलब कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही इजीली और बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। उसके लिए पहले आपको मेरे बकवास छोड़ के वर्ड को ओपन करना पड़ेगा। वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसीलिए दिल थाम के बैठिए दोस्तों। ठीक है, तो पहला वाला जो हमारा ट्रिक है और उसको हम बेसिकली जेनरेटेड टेक्स्ट बोलते हैं। जेनरेटेड टेक्स्ट इन द सेंस, अगर आपको कोई भी प्रैक्टिस वगैरह करना है या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह करना है ऑप्शंस को लेके, सो उसको करने के लिए आप जेनरेट कर सकते हैं। मतलब कि कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट जेनरेट कर सकते हैं, और जेनरेट करने के लिए आपको सिर्फ इक्वल साइन लेना है और RAND यूज़ करना है, फिर ओपन पैरेंथेसिस एंड क्लोज पैरेंथेसिस को यूज़ करके एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक जनरेटेड टेक्स्ट आ चुका है। उसके साथ ही साथ दूसरा वाला भी एक फंक्शन है, इक्वल साइन, फिर यहाँ पर अगर लोरेम लिखते हैं LOREM एंड पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा कुछ टेक्स्ट जनरेट हो जाता है। सो आप चाहें तो रैंडम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो लोरेम यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ भी करिए बट जनरेट करिए, मतलब कि करिए और उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंट करिए, प्रैक्टिस वगैरह करिए, अच्छा होता है। ठीक है ना, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, नहीं सेहत के लिए नहीं, मतलब कि अच्छा ही होता है। ठीक है, सो दूसरा वाला जो हमारा है, आप इन मान लें मतलब कि जो भी जनरेटेड टेक्स्ट हैं उनको कुछ भी फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मेट वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कुछ भी फॉर्मेट को हमें कॉपी करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन जनरल क्या करते हैं, आप स्मार्ट बनते हैं इसीलिए आपको पता ही होगा कि हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट को, फिर फॉर्मेट पेंटर में जाते हैं, फिर कोई भी दूसरा जगह हमें जो भी चाहिए वहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं। और होता क्या है कि हमारा जो फॉर्मेट है वो एक बार कॉपी हो जाता है। लेकिन ठीक है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर हमें उस वाले फॉर्मेट को मल्टीपल टाइम्स पेस्ट करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक कि हम उस वाले फॉर्मेट को कंट्रोल शिफ्ट सी करके कॉपी कर लें, कंट्रोल शिफ्ट सी करके कॉपी कर लें, और जहां पर भी चाहिए हमको उस वाले फॉर्मेट को कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर दें, कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर दें। या फिर दूसरा तरीका क्या है, माउस में अगर करना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट करना है फॉर्मेट, फिर फॉर्मेट पेंटर में सिंगल क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करने के बाद वो फॉर्मेट अभी लॉक हो चुका है। आप जहाँ पर भी इसको ड्रैग करेंगे उस जगह में अभी वो फॉर्मेट चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, कब तक, जब तक आप इसको ऑफ नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके आप फॉर्मेट को मल्टीपल टाइम्स पेस्ट कर सकते हैं, वेरी बेसिक। ठीक है, हाँ तो रुकावट के लिए खेद हो, हम फिर से ओपन करते हैं। हमारा जो एमएस वर्ड कुछ कारणों की वजह से ये हमारा बंद हो गया है, क्या गायब हो गया है, अभी तो ऊपर था, राइट, दो ही है, तीसरा वाला कहाँ गया, अभी तो दिखाई दे रहा था यार, होना चाहिए। अरे हे भाई, मैंने टास्क को कुछ करके शायद मेरा इधर उधर हो चुका है, मतलब कि हो गया है शायद, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी तक। ठीक है ना, तो मैं ट्राई करता हूँ, अगर इस वाले वीडियो में हो गया
तो सही बात है, नहीं तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके ठीक है, मान लेते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, फॉर्मेट पॉइंटर हो गया। उसके बाद हमें, अगर आपको जो भी फॉर्मेट आपने किया हुआ है उसको अगर क्लियर करना होगा या फिर डिफॉल्ट करना होगा, तो सिंपली आप करते हैं क्या है कि उस वाले फॉर्मेटेड एरिया को सिलेक्ट करते हैं और सिंपली आप बहुत ही दिमाग वाले हैं मुझे पता है, और आप यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करते हैं। वेरी गुड। लेकिन इसको भी एक इजी तरीके से करा जा सकता है बाय यूजिंग द शॉर्टकट की ऑफ क्लियर फॉर्मेटिंग एज कंट्रोल स्पेस बार। सो कंट्रोल स्पेस बार को यूज करके इसको भी बहुत ही इजी तरीके से क्लियर फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला हो गया। फिर हम जाएंगे हमारे फोर्थ वाले ट्रिक्स को। फोर्थ वाला ट्रिक्स हमारा बेसिकली टैब इंडेक्स को लेके है। सो फोर्थ जो है हमारा ट्रिक्स है वो बेसिकली टैब स्टॉप का है। टैब स्टॉप होता क्या है, बेसिकली आप कभी भी कुछ भी लिखते हैं ना, जैसे मैंने नेम लिखा, फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा दूर में मेरा फ़ोन नंबर आए, ईमेल आईडी आए, कुछ भी आए, राइट। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप स्पेस मारते हैं तो फिर ये बहुत ही टाइम लेता है, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट। उसके साथ ही अगर आप टैब भी मारते हैं तो बहुत बार आपको मारना पड़ता है। एक दो तीन चार बार बहुत सारा मारना पड़ता है। लेकिन अगर आप रूलर में कोई सा भी जगह में अगर टैब इंडेक्स को ऐसे मतलब क्लिक करके ऐड कर देते हैं, ऐसे एक एंगुलर सिम की वजह से अगर ऐड कर देते हैं, फिर आप टैब की को यूज़ कर सकते हैं। और एक बार टैब मतलब कि प्रेस करने से ही आपका जो कर्सर होगा वो जंप हो जाएगा उस वाले लोकेशन में जहाँ पर आपने टैब इंडेक्स छोड़ा होगा या फिर रखा होगा, और आप इजीली आपका कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो भाई लोग और मेरे स्टूडेंट्स और कोई भी जो भी मुझे सुन रहा है या फिर जो भी इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, जो भी मैं यहाँ पर नंबर लिख रहा हूँ उसमें ट्राई मत करना, पता नहीं किसको लग जाए फिर गाली वाली, अगर मिल जाए तो फिर खुशी है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो कुछ ऐसे। ठीक है, तो हो रहा है हमारा, ठीक ठाक हो रहा है, राइट। तो हम इस तरीके से बिना टेबल बनाए भी अच्छे से लिख सकते हैं टैब स्टॉप को यूज करके। ठीक है ना, तो टैब स्टॉप को जरूर यूज कीजिए, एक बार ट्राई आउट कीजिए। और फिफ्थ वाला जो हमारा है बेसिकली वो हमारा एक एक्स्ट्रा फीचर्स है। किस तरह का एक्स्ट्रा फीचर्स अगर हमें चाहिए हो, मान लीजिए कि हमें पता है कि क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप होता है, फॉन्ट का एक ग्रुप होता है, पैराग्राफ का एक ग्रुप होता है, स्टाइल का कुछ ग्रुप होता है, राइट। तो इस वाले सब ग्रुप्स में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि हिडन होते हैं, तो मतलब कि डायरेक्टली हमें ग्रुप में दिया नहीं गया होता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो छोटा सा मतलब चुन्नू सा एरो दिख रहा है, अगर हम उसको क्लिक करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गजब सा ही सब कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे कि डबल स्ट्राइक थ्रो यहाँ पर नहीं होता है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, हिडन होता है यहाँ पर, ऑल कैप्स होता है, और मतलब कि बहुत सारे होता है, टेक्स्ट इफेक्ट विकेट बहुत सारा होता है। आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट का भी देख सकते हैं, क्या नहीं पता नहीं कुछ कुछ सा है, डिज़ाइन सब होता है। ठीक है, आप सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा पा सकते हैं। सो बेसिकली ज़्यादा फीचर्स पाने के लिए, एक ग्रुप में ज़्यादा फीचर्स पाने के लिए, आप उस वाले ग्रुप के जो छोटा सा चुन्नू सा जो दिख रहा है एरो, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। ठीक है, मज़े ले सकते हैं बेसिकली। अभी मैं आपको मज़े नहीं दूंगा ज़्यादा सा, क्योंकि अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिए और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा थोड़ा अच्छे से। ठीक है, इसके साथ हम आएंगे अभी टेक्स्ट टू इमेज। बेसिकली अगर आपको एक टेक्स्ट से इमेज में कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली वर्ड में ये बहुत ईजी है। आपको सिर्फ आपका कुछ भी टेक्स्ट जो भी लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मेरा नाम लिख दिया। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। करने के बाद हम कॉपी करेंगे, नॉर्मल है, कॉपी हो गया हमारा, जिंगल बेल कॉपी इन द वेल, राइट। फिर कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम पेस्ट में जाएंगे और पेस्ट एज पिक्चर करेंगे। पेस्ट स्पेशल में जाके हम इसको पेस्ट एज पिक्चर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि अब ये वाला जो इमेज है, मतलब कि ये वाला जो मेरा लाइन था, वो वाला लाइन मेरा हो चुका है इमेज। और उसको चाहूँ तो मैं क्रॉप कर सकता हूँ, चाहूँ तो बड़ा छोटा या फिर कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। ठीक है,
तो ऐसे ही करके आप टेक्स्ट से इमेज कर सकते हैं कॉपी पेस्ट यूज़ करके, लेकिन पेस्ट का थोड़ा सा दिमाग में लगाना पड़ेगा और आपका टेक्स्ट से इमेज इजीली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं हमारा सेवेंथ नंबर ट्रिक्स। सेवेंथ नंबर ट्रिक हमें कहता क्या है कि अगर हमें एक टेबल चाहिए होता है, अगर हमें एक टेबल चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और टेबल में क्लिक करते हैं, बेसिकली हाँ टेबल में ही क्लिक करते हैं क्योंकि हमें तो टेबल चाहिए, राइट। और फिर हम इसको निकाल देते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन अगर आप कुछ भी ऑप्शन को क्लिक किए बिना क्विकली एक टेबल बनाना चाहते हैं, सो उसको बनाने के लिए आप प्लस एंड माइनस का यूज़ कर सकते हैं। जितने बार आप प्लस माइनस को यूज़ करके कॉलम के जैसे डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्लस यूज़ किया, फिर कुछ माइनस, फिर प्लस कुछ माइनस, फिर प्लस कुछ माइनस, फिर प्लस कुछ माइनस, तो इन माइनस के एरियाज में मेरा कॉलम, मतलब जो भी कॉलम होता है एक टेबल में, वो क्रिएट हो चुका है, 1, 2, 3, 4। और अगर अब मैं एंटर प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल बना बनाया टेबल आ चुका है, और इसको मैं चाहूँ तो बड़ा, छोटा या कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ मेरे मतलब कि मर्जी के हिसाब से, ठीक है ना। तो आप ऐसे ही कुछ अच्छा खासा टेबल बनाइए बिना इंसर्ट में जाए, जल्दी हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है जिस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पिक्चर, इमेजेस, शेप्स, पता नहीं कुछ कुछ लिखे, मतलब कि ग्राफिकल एलिमेंट सब ऐड हुए हैं, और एट लास्ट आपको पता चला कि नहीं, जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब माया मोह है, नहीं ऐसा बात नहीं है, जब भी मतलब कि जो भी मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे सिर्फ 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 और सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए था, एट लास्ट आप अगर आपको ऐसे लगा कि आपको सिर्फ टेक्स्ट ही चाहिए था, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि बहुत सारे गाली सुनना पड़ेगा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ सिलेक्ट में जाना है, सिलेक्शन पेन में जाना है। सिलेक्शन पेन क्या करता है कि जो भी पिक्चर होगा या फिर जो भी इमेजेस टाइप का कंसेप्ट आपने रखा होगा, उन इमेजेस को ये चाहे तो एक ही क्लिक में हाइड कर सकता है यहाँ से, और एक ही क्लिक में उसको शो कर सकता है यहाँ से, ठीक है। आप चाहे तो इसको हाइड एंड शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार इसको ट्राई करिए, हाइड एंड शो करके देखिए, ठीक है। और इस वाले ट्रिक के साथ आज का हमारा जो एपिसोड है ख़त्म होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जो आज का ट्यूटोरियल है ख़त्म होता है। बेसिकली मैंने 8 ट्रिक्स आपको बताएं जिसको यूज़ करके आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक एडिशनल ट्रिक बता दे रहा हूँ अभी मेरे माइंड में आ रहा है। अभी